सो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के कुछ नए फीचर्स और कुछ न्यू अपडेट के विषय में। तो गाइस, आप आज के वीडियो में ही जानेंगे कि नए फीचर क्या क्या हैं और क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज के फीचर्स की बात रही तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटस एक्टिव दिखा रहा था बहुत ही नॉर्मल में था, अब ये थोड़ा सा एक्टिव दिखाई दे रहा है, मतलब कि एकदम ग्रीन हो गया है और थोड़ा बोल्ड में हो गया है, तो देखने में अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हमारी आईडी एक्टिव है। पहले ऐसा था जैसे लिखा हुआ स्टेटस पतले में उसी तरह से लिखा हुआ था। और दूसरा, यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है ये रैंक बेसिक जो है कि थोड़ा कितना अच्छा लग रहा है। पोर्टल पे कुछ अपडेट फीचर हुए हैं जिससे पोर्टल में कुछ लग रहा है कि फीचर्स में बदलाव हो रहे हैं, पोर्टल में बदलाव होंगे। इसमें वैसे कंपनी को एक और चाहिए था कि न्यूज़ का, पर डे का न्यूज़ जो भी चेंज होता है, अपडेट होता है, इसमें एक न्यूज़ मेनू बना दे जिसमें हम जो भी मेम्बर हैं अपना, जो भी नियम रूल चेंज हो रहा है उसको यहाँ पर देख लें। सो गाइस, फीचर में बदलाव आने से पोर्टल में थोड़ा सा लुक बढ़ गया है और चलते हैं हम नए अपडेट्स के विषय में, जानते हैं कि क्या नया अपडेट है। सो गाइस, हमारे ऊपर के लीडरों से सुनने को मिलता है कि 23 दिसंबर तक जो है कि फंड ट्रांसफ़र था और आईडी एक्टिव करने का डेट था। तो गाइस, ऐसी बात तो अभी नहीं है। अभी देखिए, यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र एंड स्विच आईडी का ऑप्शन चालू है और इस पर क्लिक करने के बाद जो है कि हमारा यहाँ पर खुल रहा है। ये भी चालू है कि योर बैलेंस प्लस $16 ये आपको कंपनी देगी। सो ये भी अभी शुरू है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है और आईडी एक्टिव करने का बाय गेमिंग द्वारा, ये भी अभी चालू है। तो अभी तक कंपनी का ऐसा कोई न्यूज़ पोर्टल पे नहीं आया कि आईडी को एक्टिवेट करने का लास्ट डेट आ गया है। सिर्फ ऊपर के लीडरों द्वारा ही सुनने को मिलता है कि लास्ट डेट इस डेट को है। तो गाइज, ऐसे ही अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिली, कोई नया अपडेट नहीं आया। लेकिन फिर भी यदि आप पुरानी कंपनी के, पुरानी वेबसाइट के जो है कि मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर हैं और आप जो है कि नए वेबसाइट पे एक्टिव होना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार एक्टिव हो जाएँ और अपनी आईडी को एक्टिव कर लें, क्योंकि शायद नए वर्ष पे 1 जनवरी से कंपनी की रूल चेंज हो जाए और एक्टिवेशन बंद हो जाए। एक्टिवेशन तो बंद नहीं होगा लेकिन पुरानी वेबसाइट से फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन बंद हो जाए और जो $16 मिल रहा है आपको वो मिलना बंद हो जाए। सो गाइस, आज के कुछ सवालों के जवाब हैं जो हमें कमेंट में मिले थे कि इसमें बैंक ऐड करने का ऑप्शन पुरानी वेबसाइट की तरह नहीं आएगा क्या? तो इसका जवाब है गाइस, जी नहीं, क्योंकि इसमें बैंक ऐड नहीं होगा। इसके लिए आपको क्वाइन स्विच एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। उसी के तहत आप पैसे जो है कि विड्रॉल कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि इसमें कमेंट था कि ये कंपनी कब तक रहेगी, कब तक पैसे देगी? तो गाइज, इसमें एक क्लियर तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम भी आपकी तरह हैं, लेकिन कंपनी जो है कि एक एक्टिवेशन पर 4 महीने 120 दिन पैसे देगी, उसके बाद पुनः आपको अपना आईडी एक्टिवेशन कराना पड़ेगा। तो जब कंपनी जो है कि एक्टिवेशन पुनः करा रही है तो कंपनी को भागने की क्या ज़रूरत है? कंपनी भी कमाएगी और आप भी कमाएंगे। तो तीसरा सवाल है गाइज कि आईडी एक्टिवेशन का डेट कब तक है? सो गाइज, आईडी एक्टिवेशन का डेट अभी तक तो क्लियर नहीं है क्योंकि कंपनी की तरफ से ऐसा मैसेज कुछ उनके लेटर पैड पर नहीं आया हुआ है कि कंपनी कब तक एक्टिवेशन करेगी और कब तक फंड ट्रांसफ़र और पुरानी आईडी को स्विच करेगी, ऐसा कुछ नहीं। अपलाइन से कुछ लीडरों से कुछ सुनने को मिलता है लेकिन कंपनी का ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। चौथा सवाल है कि टॉपअप वॉलेट का बैलेंस हम क्या करें जो बचा हुआ है? तो गाइज, इसमें टॉपअप वॉलेट का बैलेंस बचा हुआ है तो उसको सब्सक्रिप्शन वॉलेट में, उस आईडी के सब्सक्रिप्शन वॉलेट में बैलेंस मंगा लीजिए और इस आईडी से आप किसी नए आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं।
टापा प्लस सब पे जाकर के। पांचवा सवाल है कि विड्राल कब से होगा, तो गाइज इसमें विड्राल संभवतः नए साल 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बहुत से फीचर्स और अपडेट जारी हुए हैं, इसमें परिवर्तन होता जा रहा है, कुछ पोर्टल पे सुधार होता जा रहा है और 1 जनवरी से संभवतः विड्राल शुरू हो जाएगा। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही नॉलेज देना था, अब तो चलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी लेकर के। तो गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो गाइज चलते हैं, जय हिंद जय भारत।